अगली खबर की ओर। लुधियाना फगवाड़ा जीटी रोड चौक के नजदीक निहंग सिंह और ऑटो चालक के मामूली विवाद के चलते ऑटो चालक ने अपने साथियों के साथ निहंग सिंह पर हमला कर उसको बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसके चलते सिंह को फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां निहंग सिंह की पहचान सतीश सिंह खालसा के रूप में हुई। मौके पर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सतीश सिंह खालसा ने बताया कि वह अपनी कार से लुधियाना से फगवाड़ा वापस जा रहा था कि चौकी के नजदीक ऑटो चालक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। जब ऑटो चालक से बातचीत करने गए तो उसने फोन पर अपने साथियों को मौके पर बुलाकर हमला कर जख्मी कर दिया। बातचीत के दौरान निहंग सिंह ने यह भी बताया कि हमलावरों ने उसके शस्त्रों और दस्तार की भी बेअदबी की है। दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि सारे ही मामले संबंधी जब पुलिस को सूचना दी गई तो काफी समय बीतने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं आई, जिसके चलते उन्होंने प्रशासन के उच्च अधिकारियों से इंसाफ की मांग की है। फगवाड़ा से बीडी शर्मा की रिपोर्ट। मैं मेरा चोपड़ जी मंडाली पिंड तो जी और दासी ते फगवाड़े वीर ने सुभाष ने की मामला आया सारा ये तोडे सट्टा लगे ते सिविल हॉस्पिटल फगवाड़ा है। शाम में जी सी लुधियाने तो फगवाड़े पर वापस आ रहे थे गाड़ी, जो फगवाड़े चाचो की दे कोल दे कोल असीं पहुंचे हां ते उतरो साडे बिल्कुल साडे ऑपोजिट ते इक टेंपू सवारियां वाला छोटा उहने बड़ी तेजी नाल लिया के साडे विच मारिया और उतरे सारी उन्हें किसी ने फोन किए हैं। असं उन्हें पूछना चाहते थे कि कोई सट सुट तो नहीं लगी, असी लड़न के मूड च नहीं सके। उन्हें उतरे सारी बंद अपने फोन किए हैं, 60 तो 70 के करीब बंदे आए हैं जी और वो बिल्कुल लैस तैयार पर तैयार से मारन के इरादे न आए थे। सानू नहीं पता उन्होंने मंशा की सी और उन्होंने कोल पंच हथियार डंडे सोटे ईवन किरचा और ईवन 2-3 बंद ने शायद सूँ उपरू चक के शायद उन्होंने को पिस्टल भी सी।